हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स बाइक में दोस्तों अगर आप बारबिक करना चाहते हैं घर पे वो भी आपके पास चारकोल अवेलेबल नहीं है और वही तंदूरी फ्लेवर में आप खाना चाहते हैं वही स्मोकी फ्लेवर में तो ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा बिना तंदूर के बिना चारकोल के हम आज बनाएंगे ये रेसिपी अगर ये रेसिपी हमारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल लेट्स बाइट को सब्सक्राइब करने ना भूले तो दोस्तों ये चिकन टंगनी बहुत ही मजेदार बनता है आप ये रेसिपी जरूर एक बार ट्राई करें तो चलिए हम मिलकर बनाते हैं ये टेस्टी सा चिकन टंगड़ी तो यहाँ पे मैंने लिया है चार से पांच लाल मिर्च और इसमें हम डालेंगे पांच से छह लहसुन जो हमने छील लिया था अब इसमें हम डालेंगे अदरक इसका छोटा छोटा टुकड़ा करके मैंने थोड़ा सा लिया है अब इसमें हम डालेंगे धनिया और यहाँ पे मैं धनिया साबुत धनिया जो मैंने कूट रखा है वो डाल दिया है मैंने तो टू टेबलस्पून मैंने लिया था वन टेबल मैं यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ वन टेबल स्पून काली मिर्च इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको पेस्ट कर देंगे तो पेस्ट कर लें और साइड में रख दें अब यहाँ पे मैंने चिकन लिया है वन के जी लेग पीस लेग पीस को मैंने इस तरह से बीच बीच में कट कर दिया ताकि मसाला अच्छी तरह से अंदर जाए अब इसमें हम डाल देंगे पेस्ट किए हुए मसाला अब इसमें हम डालेंगे वन कप दही और इसमें हम डालेंगे वन टेबल स्पून नमक नमक डालने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं हाफ टेबल स्पून चाट मसाला वन टेबल स्पून भी डाल सकते हैं आप अब इसमें हम डालेंगे वन टेबल स्पून लाल मिर्च तो मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें अब यहाँ पे मैं हाफ नींबू को निचोड़ देती हूं हाफ नींबू ले लें और इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून गरम मसाला और यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो यहाँ पे मैंने दो से तीन स्पून ऑयल ले लिया है आप चाहे तो बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं तो घी नहीं तो ऑयल आप पे डिपेंड करता है लेकिन मस्टर्ड आप आ, मस्टर्ड ऑयल यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तो इसमें मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ रेड कलर का अगर आपके पास अवेलेबल है डालना चाहते तो डाले नहीं तो स्किप कर सकते हैं मैं सिर्फ इसको कलर आने के लिए मैं डाल रही हूँ टेक्चर अच्छा दिखने के लिए अब इसको हम ढककर कर कम से कम मिनिमम फोर टू फाइव रखा था चिकन को मैरिनेट करके अब इसको हम ग्रिलर ले लें आपके पास अवेलेबल है तो वो ले लें नहीं तो तवा में भी कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर दें और चिकन को डाल इस इसमें डालकर मीडियम फ्लेम में ही हमें पकाना है हाई फ्लेम में नहीं करना है मीडियम स्लो टू मीडियम ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए एक साइड हो चुका है तो मैं टर्न कर रही हूं चिकन को तो इसी तरह आप टर्न कर दें दोनों तरफ अच्छी तरह से पकाएं जब इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा तब उसके बाद हम इसमें स्मोकी फ्लेवर देंगे वो कैसे देते हैं आप देखते रहिए एंड तक जरूर देखिएगा ये बहुत ही अच्छी रेसिपी होती है उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी दोस्तों अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें तो देखिए अच्छी तरह से पक चुका है इसका टेक्सचर भी चेंज हो चुका है अब इसमें हम देंगे स्मोकी फ्लेवर तो यहाँ पे मैं कोल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ अगर आपके पास कोल है तो कोल डालकर इसमें स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं नहीं तो डायरेक्ट इस तरह स्टोव पे स्मोकी फ्लेवर दे दे इससे क्या होता है आ, कोल से करने से भी अच्छा ये टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है टेस्ट तो इस तरह एक एक पीस करके हम स्मोकी फ्लेवर दे देंगे ये मेथड से अगर आप बनाएंगे तो यकीन माने आप लगेगा ही नहीं कि बिना चारकोल के बिना तंदूरी के हम इतना अच्छा चिकन खा रहे हैं तो जरूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके कमेंट्स में जरूर लिखेगा देंगे एक एक करके करने के बाद इसमें हम और टेस्ट में एनहांस करने के लिए मैं यहाँ पे बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं बटर इस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देती हूँ इससे और भी टेस्ट इसे आप गर्मा गर्म हरी चटनी के साथ सर्व करके देखें बहुत ही टेस्टी लगेगा उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी हमारी अच्छी लगे अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल लेट्स वाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो दोस्तों फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ फिलहाल के लिए बाय थैंक यू टेक केयर